कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी है जो महामारी के समय भी प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आते। ऐसी ही एक पत्रकार है आरफा खानुम शेरवानी, जो द वायर जैसे भारत विरोधी वामपंथी पोर्टल के लिए पत्रकारिता करती फिरती है। देश वुहान वायरस के संकट से जूझ रहा है, सरकार चाहती है कि देशवासियों को कम से कम दुष्परिणाम झेलने पड़े, परंतु कुछ जर्नलिस्ट का एक ही नारा, एक ही मंत्र है, प्राण जाए पर एजेंडा ना जाए। आरफा खानुम शेरवानी ने हाल ही में द वायर के लिए एक वीडियो की थी, जिसमें वे शाहीन बाग के अराजकता पर अपने विचार प्रकट करती हैं। 18 मिनट 56 सेकंड लंबी इस वीडियो में आरफा खानुम शेरवानी शाहीन बाग की अराजकता को एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रदर्शन की आड़ में बचाने का भरसक प्रयास करते दिखी। उन्होंने यहां तक दावा किया कि कोरोना तो बस बहाना था, शाहीन बाग की बहादुर औरतों को अलोकतांत्रिक तरीके से जो हटाना था। आरफा ने शाहीन बाग की एक प्रदर्शनकारी महिला का इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ छीना झपटी हुई, जोर जबरदस्ती हुई, पुलिस ने लाठी चार्ज भी की थी। इस सवाल का जवाब देते हुए महिला प्रदर्शनकारी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं की थी। अब आप समझ सकते हैं कि आरफा उस महिला प्रदर्शनकारी से क्या कहलवाना चाहती थी। अपने अप्रासंगिक विचारों को उचित सिद्ध करने हेतु आरफा खानुम शेरवानी ने अनेकों उदाहरण दिए, जिससे ये सिद्ध हो सके कि शाहीन बाग में तो संत आत्मा विराजते थे, जिनका हिंसा भड़काने से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। इस वीडियो में मोहतरमा ने यहाँ तक दावा किया कि जनता कर्फ्यू के दौरान भी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह वहां की महिलाओं ने अपना प्रदर्शन किया, जिसे कोरोना की आड़ में दिल्ली पुलिस ने बड़ी बेरहमी से और जबरदस्ती हटा दिया। अब इन मोहतरमा को कोई बताएगा कि ये वुहान वायरस है, कोई मजाक नहीं। जो महामारी छूने से तेजी से फैलती जाए, उसमें किसी भी क्षेत्र में एक से ज्यादा व्यक्ति का जमा होना खतरे से खाली नहीं। और शाहीन बाग के अराजकतावादी कोई वीवीआईपी नहीं है, जिनके लिए अलग से प्रशासन व्यवस्था करे। परंतु नहीं, दिल्ली पुलिस को यहाँ भी आरफा द्वारा नीचे दिखाना है जी। एजेंडा ऊंचा रहे हमारा का इससे प्रत्यक्ष प्रमाण और कहीं मिल सकता है क्या भला? परंतु हैरान मत होइए, ये वही आरफा खानुम शेरवानी है जिन्होंने सीएए के विरोध के नाम पर ये अफवाहें फैलाई थी कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई के नाम पर जामिया मिलिया इस्लामिया की लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। इस पर मोहतरमा ये कहने की हिमाकत भी रखती है कि उन्होंने ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों से सुना है और उन्होंने अपने दावे को स्पष्ट करने के लिए किसी भी गवाह को सामने नहीं लाया। आरफा खानुम शेरवानी वैसे इस खेल में अकेली भी नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले कारवा मैगजीन की पत्रकार विद्या कृष्ण ने द एटलांटिक के लिए बेहद आपत्तिजनक लेख लिखते हुए न केवल राष्ट्रध्वज को अपमानित किया, अपितु वुहान वायरस पर सरकार के लॉकडाउन को सीए और एनआरसी से भी जोड़ दिया। अपने लेख में विद्या कृष्ण ने यह जताने का प्रयास किया है कि कैसे केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून वुहान वायरस से लड़ने में बाधा के रूप में सामने आ रही है। आपने ठीक पढ़ा, विद्या कृष्णन वुहान वायरस जैसी महामारी को सीए से जोड़ने का प्रयास कर रही थी। वुहान वायरस तो बस बहाना था, एजेंडा जो चलाना था। यही नहीं, विद्या कृष्णन ने यह भी बताया कि कैसे पीएम मोदी द्वारा घोषित लॉकडाउन अपने आप में गरीबों पर एक करारा प्रहार है और अमीर वर्ग और मिडिल क्लास को इससे कोई हानि नहीं होगी। इसी को कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आरफा खानुम शेरवानी ने इस वीडियो से स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए केवल और केवल उनका निजी एजेंडा मायने रखता है, जनता की सुरक्षा उनके प्राथमिकता में कोई स्थान नहीं रखती। वुहान वायरस से जहां एक ओर पूरा भारत मोर्चा संभाले हुए है, वहीं आरफा खानुम शेरवानी जैसे लोग पूरे मेहनत की मटिया मेट करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।